अगला जिहड़ा सवाल है वो साहब प्रेम सिंह जी जलंधर तो वो पूछते हैं कि गज नव गज 10 गज 21 पुरिया एक तनाई। एक कबीर साहब जी का शब्द है 335 पन्ना ते। वो पूछते हैं भी ये सानू संखेप अर्थ भाव जिहड़ा वो दसो। मैं बेनती कर रहा वीर MP सिंह जी नूं भी कृपा करके चालना पहुंचे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो शब्द जिहदे बारे सवाल वीर जी ने किया है वो आप जी के सामने स्क्रीन पर डिस्पले कराया गया है। आओ पहला एक बार इसदा पाठ कर लीए। ये राग गौड़ी दे विच है, भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया। गज नव गज 10 गज 21 पुरिया एक तनाई 60 सूत नवखंड 72 पाठ लगो अदकाई। गई बुनावन माहो घर छोड़िया जाए जुलाहो। गई बुनावन माहो घर छोड़िया जाए जुलाहो रहो। गजी ना मिनिया तोल ना तुलिया पाचन शेर अढ़ाई। जो कर पाचन बेग न पावे झगर करे कर हाई। जिनकी बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलियो जुलाहो रीसाई। सोची नली तंत नहीं निकसे नतर रही उर्जाई। छोड़ पसार इहां रहो बपुरी को कबीर समझाई। तो जिमें ये गल असी अनेक बार भी इत्थे इस क्लास कर चुके हाँ साझी कि शब्द का जो केंद्री भाव हुंदा है जिहदे दुआले बाकी शब्द के पदे उहदे नाल मिलदे अर्थां वाले हुंदे हन। तो वह है राहो दा पदा। तो इस शब्द का जो राहो दा पदा है वो है गई बुनावन माहो घर छोड़िया जाए जुलाहो। इस शब्द में कबीर जी ने मनुखी जो शरीर है जो जामा है वो उसकी तुलना एक जुलाहे दे नाल कीती है। उसनू इस शब्द को समझने वास्ते तो ये जरूरी हो जाएगा कि सानू थोड़ा जहा जुलाहे दे जो काम करने का तरीका है जिस तरीके की चीज़ों इस्तेमाल करता है उसके बारे सानू जानकारी हुए। तो माहो लफ्ज़ का जो अर्थ है वो है वासना। मनुखी मन दियां वासनावां जो साडे मन दे अंदर इच्छावां पैदा होंदियां ने दुनियावी पदार्थां दियां या अपने इज्जत दियां अपने या होर जिन्ने भी साडे मन दे फुरने हुंदे हन साडे मोह दा कोई संबंध है कोई किसी नाल जो भी असी चीज़ां प्राप्त करने वास्ते जो मन दियां इच्छावां ने उन्हां वास्ते ये लफज जो है माहो वरतिया गया है। तो कबीर जी इस पंक्ति विच कह रहे हैं कि मनुख दा जिहड़ा जन्म है उहदा मूल कारण ही ये वासना है कि ਉਹਦੇ अंदर ये कुछ इच्छावां पैदा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कि ਮੈਨੂੰ कुछ चीज़ा चाहिए ने सुख चाहिए ने। तो ये वासनावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ जन्म का कारण बनदियां ने ते परमात्मा ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ के ते जन्म ले ਲੈਂਦਾ है। घर छोड़िया जाए जुलाहो। जाए का अर्थ हैगा जन्म लेना। जिवें आप जी ने ਇਹ आम तौर पर मुहावरा सुनिया होएगा हमसाए माँ प्यो जाए। उत्थे भी जाए का मतलब है जम्मे। तो हमसाए का अर्थ होंदा है गुआंढी पड़ोसी नेबर। माँ प्यो जाए मतलब माँ प्यो के जम्मे। उत्थे उस मुहावरे का मतलब है कि जिहड़े साडे गुआंढी ने वो साडे माँ प्यो जम्मे वर्गे ने भाव साडे भैन भरा ने। कहण तो भाव सीगा कि जाए अखर का जो आखिरी अर्थ है वह है जन्म लेना। वैसे जाए असी जान आन जान इस अर्थां च भी वरतदे हां और जाए लफज जगह के वास्ते भी आता है। दूजी ना ही जाए उत्थे उदा अर्थ होंदा कोई दूजी जगह नहीं है। और इस शब्द के अंदर जो लफज जाए वरत्या गया है उसका अर्थ है जन्म। तो घर छोड़िया परमात्मा का घर छड़ के जीव आत्मा जन्म लेंदी है मानो एक जुलाहे की न्याई। तो जीव आत्मा नूं कबीर साहब एक जुलाहे की तुलना दे रहे हैं। ते अगों सारे शब्द के अंदर जो जो काम जुलाहा करता है उन्होंने चीज़ों की रेफरेंस दे के ते फिर जो जीवन का मनोरथ है उसके बारे सानू सेध देंदे हन। सो शब्द का आरंभ जो पहले पदे च कबीर जी कह रहे हैं, गाज नव गाज 10 गाज 21 कुरिया एक तनाई। ये जो लफज है ये स्पैलिंग हैं गग्गा ते जज्जा। तो पढ़िया तो जाता है इनू गज, पर गज का अर्थ होंदा है हाथी, तो गज होंदा हैगा जिहड़ा एक्चुअली उर्दू फारसी तो ये लफज आया है गज मिनन वाला। जिस तरह असी डिस्टेंस मेजर करना होवे तो इंच फुट ते गज होंदे हन, अजकल मीटर सेंटीमीटर होंदे हन। तो पुराना जो नाप मतदंड का तरीका सी वो सन इंच फुट ते गज, तो फिर अगों फरलांग और मील इस तरह होंदे सी। तो एक गज जड़ा है वो 3 फुट का होंदा है या 36 इंच का होंदा है। जे सेंटीमीटर च गिनीए तो तकरीबन 91 सेंटीमीटर के बराबर एक गज होंदा है। तो पुराने जमाने च यह नाप का जो तरीका सी खास तौर पर कपड़े वगैरह नूं मिलण वास्ते ये गज वरते जाते सी। तो ये गजां की गल हो रही है जिहदे नाल कपड़ा मिनिया जाता है। नव का अर्थ है 9, 10 का अर्थ 10, 21 का 21। तो कबीर जी कह रहे हैं कि 9 गज 10 गज ते 21 गज ये 3 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ किस्म दीआं चीज़ां हन जिन्हां नूं कुल मिला के 40 गज की पूरी एक ताना जिहड़ा है वो तनिया गया है। और जड़ा कपड़ा बुनना है जुलाहे ने उहदे विच की हुंदा है कि एक पासे ताना हुंदा एक पासे पेटा हुंदा है, यानी कि एक ग्रिड हुंदी है एक लंबाई वाले पासे ते एक फिर उपरों थले वाले। जिवें क्रॉसवर्ड हुंदी है उहदे अंदर भी कुछ अक्रॉस वर्ड्स हुंदे हन, कुछ डाउन अप तो डाउन हुंदे हन। तो एक ग्रिड बनी हुंदी है। इवें ही कपड़ा बुनन वास्ते भी धागियां नूं एक ग्रिड दे विच ताना और पेटा उहनूं कहा जांदा है। एक हॉरिजॉन्टल धागियां की लड़ी होंदी है तो एक वर्टिकल होंदी हैगी है, तो उन्होंने ताना और पेटा किया जाता है। तो इत्थे गल हो रही है कि भी हुण एक ताना जिहड़ा पूरा है पूरे 40 गज की एक तानी जिहड़ी है तनी जाती है। कि कबीर जी कहते हैं कि जो जीव जन्म लैंदा है तो मानो एक तानी जिहड़ी 40 गज की तैयार हो जाती है। उहदे हिस्से की ने उस 40 गज की तानी के 9 दा उहदे विच गज दे हैगियां जिहड़ियां 9 गोलका या 9 द्वारे जिन्होंने कहते हैं, यानी 2 अखां 2 कन 1 जबान अपना नक हो गया ते इस तरह जोड़े होर द्वारे हैं जो शरीर के विचों गंदगी कढ़न वास्ते पेशाब और टट्टी का जो रस्ते हैं। तो इस तरह मिला के जो 9 द्वार हैं ये उन्होंने 9 गोलका भी कहा जाता है। तो ये 9 गोलका इंसान के शरीर में उन्होंने प्राप्त होंदियां हन। फिर 10 गज ये उहदे 10 इंद्रे हैं, 5 कर्म इंद्रे ते 5 ज्ञान इंद्रे। तो वो जड़े हैं ये 10 वो इंद्रे उन्होंने मिलते हैं जन्म तो ही। 9 गोलका मिलदियां हन, 10 इंद्रे मिलते हैं। फिर 21 गज तो 21 गजां की जो डिटेल लिखी गई है जो दर्पण जिमें समझाया गया है, 5 सूक्ष्म तत्व 5 असूल तत्व 10 प्राण ते 1 मन। इस तो बाद डिटेल ये है नहीं है और मैं आपू ये बारे कोई नॉलेज नहीं है कि भी ये 21 चीज़ा कि 5 सूक्ष्म तत्व ने कि असूल तत्व ने ते 10 प्राण का की भाव है। मन तो चलो एक असी समझ सकते हैं भी इंसान का जो मन है कॉन्शियस माइंड जोड़ा है वो मन हो गया। बाकी 5 सूक्ष्म तत्व 5 असूल तत्व और 10 प्राण लिखे इन्हें टोटल करके 21 चीज़ा जड़िया इंसान के जन्म तो उन्होंने नाल मिलदियां ने। तो लै दे के जो गल बनती है इस पहली पंक्ति की कि जदों इंसान जन्म लैंदा है तो उन्होंने जन्म वेले ही 9 द्वार 9 गोलका 10 इंद्रे और 21 जड़े हैं तत्व मिलते हैं। तो इस तरह ये 40 हिस्से वो शरीर के टोटल उन्होंने नाल जन्म तो ही प्राप्त होंगे हैं। तो ये कबीर जी का गल समझाने का तरीका है कि इस चीज़ नूं उन्होंने जुलाहे के जो यूटिलिटीज़ हैगियां ने कपड़ा बुनन वास्ते जो उन्होंने रॉ मटीरियल चाहिए है जो चीज़ा चाहिए हैं उन्होंने मेल करके तो ये जीवन दिया जो वस्तुआं जो जन्म ते मिलदियां हन उन्हां नूं उहनां दे नाल लिंक कीता है। यह सब कुछ करन दा भाव की हुंदा है कि जिस बंदे नूं असीं गल समझा रहे हां उहनूं ओहदी बोली विच ओहदी टर्मिनोलॉजी विच गल समझाई जावे ते उहनूं सौखी समझ आ जांदी है। जे किसी किसान दे नाल गल करनी है तो अगर जे किसानी दी खेत दी बीज दी फसल दी राखी दी वाड़ दी गल कीती जावे तो उहनूं सहज ही गल समझ आ जाएगी। तो इस तरीके का ढंग जिहड़ा है गुरु साहबान ने भी बड़े शब्दों च वरत्या है। कई तरह दी मिसालां दित्तियां, किधरे जीव नूं दुकानदार दे मिसाल दित्ती है, किधरे घोड़सवारी दी मिसाल दित्ती है, किधरे व्यापारी दी मिसाल दित्ती है। तो वख-वख जिहड़े कामां कारां विच लगे हुए लोग हन उन्हां नूं अपनी फैमिलियर चीज़ां दे अगर मिसालां मिलदियां हन तो उन्हां नूं जिहड़ी गल है ओह ज़्यादा सौखी समझ आ जांदी है। तो इत्थे लगदा है कि इस शब्द विच कबीर जी ने अपनी जो जुलाही, क्योंकि आप भी जुलाहे सन, तो अपनी जुलाहे कम्यूनिटी के लोगों को ही गल समझाने वास्ते उन्होंने इस शब्द के जुलाहियां के वरतन वाली चीज़ों का वर्णन किया है। तो ये 9, 10 और 21 ये टोटल 40 चीज़ां हैं जो इंसान लैके जन्म वेले प्राप्त करके जन्म लैंदा है। तो कबीर जी कहते हैं कि इन्हां 40 चीज़ों नूं दाता नूं लैके मानो एक पूरी ताणी तैयार हो जाती है जिहड़ी कपड़े नूं बुनण वास्ते जरूरी है। फिर अगों पाटा, ये ताने की गल हो गई। हूँ पेटे की जड़ा मान लो ताना जिमें हो गया, मान लो हॉरिजेंटल जड़े हैं तो पेटा हो गया वर्टिकल, या दूजा भी हो सकता है कि वर्टिकल ताना होवे ते हॉरिजेंटल पेटा होवे। तो एक अक्रॉस और एक वर्टिकल। और अगली जड़ी पंक्ति फिर कहते हैं कि 60 सूत नवखंड 72 पाट लगो अधिकाई। 60 सूत जड़े हैं वो 60 सूतर भाव 60 नाड़ियाँ इंसान के शरीर के अंदर 60 नाड़ियाँ होंदियां ने। वह मानो लम्बे पासे का जोड़ा है वह 60 नाड़ियाँ हैं। नवखंड है ने 9 शरीर के टोटे। वो 9 टोटे किस तरह ने? 4 टोटे गिन लो बाहों के, भाई मोढ़ा और कोनी, 2 एक पासे से 2 एक पासे, ये 4 टोटे हो गए। इसी तरह ही लत्तां के भी 4 टोटे, एक तो जंघा जिथे लत्तां जुड़दियां ने उपर ते गोडे, तो 2 एक पासे 2 एक पासे, 4 और 4 8, ये टोटे हो गए। तो एक शरीर का धड़ हो गया। ये मिला के शरीर के 9 टुकड़े हैं। एक धड़, 4 टोटे बाहों के, 4 टोटे लत्तां के, इनू करके ये 9 खंड ने, 9 टोटे हैं। 72 जड़े हैं वो है छोटिया नाड़ियाँ। 60 नाड़ियाँ वड्डियां ते 72 नाड़ियाँ छोटिया। तो ये पाठ लगो अधिकाई कि यह जोड़ा है पेटे का जोड़ा काम करदियां ने। अक्रॉस जड़ी धागे हैं, एक पासे ताने दे हो गए, एक पासे पेटे दे हो गए। तो इस तरीके दे नाल जोड़ा है इनू वाधू पेटा लगे होया है। इस तरीके का यह 60 नाड़ियाँ छोटिया, 60 नाड़ियाँ वड्डियां, 72 नाड़ियाँ छोटिया, शरीर के 9 टुकड़े, ये मानो पेटे का काम करदियां। ये सारिया वस्तुआं प्राप्त करके इंसान का शरीर जोड़ा है इस जगत दे विच जन्म लैंदा है। जन्म लैंदा क्यों है? वह है क्योंकि वो अंदर जिहड़ी वासना हुंदी है पदार्थां दी, माया दी, ओनू मानो इस मनुखा जन्म दी देही विच भेज दिंदी है। ते परमात्मा दे दर तो विछड़ के एक जुलाहे दे रूप विच मानो वो इंसान जन्म लैंदा है। हुण अगले पदे च कबीर जी कहते हैं कि गजी ना मिनी है, तोल ना तुली है, पाचन सेर अढ़ाई, जोकर पाचन बेग ना पावै, अगर करै कर हाई। वो कहते हैं कि जो शरीर रूपी ये ताणी है इनू इस तरह गज़ां दे नाल मिनिया नहीं जा सकता। ये सिर्फ गल समझाने वास्ते गल दसी गई है। इनू ये नहीं है कि वाकई तुसीं गज़ लैके तो मिन्ने शुरू कर दिओ कि ये 9 गज़ शरीर लम्मा है कि नहीं है। शरीर तो आम तौर पर बंदे का मुश्किल नाल 2 गज़ ही हुंदा है। 6 फुट एवरेज आस पास ही शरीर की हाइट हुंदी है बंदे दे, किसी की घट किसी की वध। तो 8 फुट तो लंबा अज तक किसी ने बंदा नहीं वेख्या, तो शायद 3 फुट तो छोटा कोई नहीं वेख्या होएगा जिहड़ा आम फुली ग्रोन है। जिहड़े बौने भी ने वो भी 3 फुट के तकरीबन हुंदे ही ने। तो लै दे के उहदे आस पास ही रहिंदे हन। तो 9 गज़ होण या 10 गज़ होण दा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कबीर जी कहंदे हन कि भी इह गज़ां नाल मिनन दी गल नहीं मैं कर रहा, ना ही इन्हां नूं किसी तोल नाल तोलन दी गल कर रहा हां। इह मनुखी शरीर जिहड़ा है इहनूं ना इह ताणी जिहड़ी असीं तनी हुई मिली है सानू, इहनूं गज़ां नाल नहीं मिनिया जा सकता, ना वट्टे नाल तोलिया जा सकता है। हाँ, समझण वाली गल यह है कि इस धागे नूं, इस शरीर के धागे नूं जिहड़ी पान चढ़ानी है ना, वो जरूरी है। जिहड़ी इहनूं 250 रोज खुराक चाहिदी है। ये 250 खुराक, हुण कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भी 250 कौन खाता है? सारे बंदियां दी खुराक तो 250 नहीं होंदी। पहली गल तो यह है कि 250 जिहड़े ने कच्चे है। हो सकता है कि वैसे जिस जमाने की गल करते होणगे कबीर जी, उदों लोगों की चंगी खुराक होंदी होगी, दिहाड़ी का 250 खा भी लेंदे होणगे। ਇਹਦਾ कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, एक सिर्फ समझाने की गल है। पाचन का अर्थ है वह वस्तु जिहड़ी धागे नूं जिहड़ी पान चढ़ाई जाती है ताकि बुनन तो बाद धागा जिहड़ा वह पक्का रहे, पिछे टुट ना जाए। तो पहला उसकी बुनाई करन वेले उहनूं पान चढ़ाई जाती है तो उहनूं ताकि उसदी स्ट्रेंथ मेनटेन रहे। तो इसनूं शरीर के नाल इंज जोड़िया है कि शरीर की स्ट्रेंथ मेनटेन रहे, शरीर कायम रहे। ये वास्ते रोज़ कुछ ना कुछ खुराक चाहिए है। उन्होंने कबीर जी ने 250 का जो है एक समझो एक नाप दे दिता है अंदाजे का। जिमें गुरबाणी च एक जगह होर भी पंक्ति आती है कि 3.5 मन देहरी चलै पानी अन्न। हुण सब का भार 3.5 मन तो नहीं होंदा ना, भावें वह कच्चा मन जो 28 सेर का होंदा तो उस हिसाब नाल भी 98 सेर भार हर किसी का नहीं होंदा। तो एक रैफरेंस वास्ते कोई टर्म यूज़ कर ली जाती है अंदाजे वास्ते। तो ये पाचन सेर 2.5 का मतलब है कि हर इंसान नूं दिहाड़ी की 2.5 सेर खुराक चाहिए है, शरीर को चलदा रखन वास्ते, मेनटेन रखन वास्ते। तो क्या यह जा रहा है कि जिहड़ा परमात्मा वालों बंदे नूं शरीर मिलिया है, उन्होंने ना गज़ा नाल मिनिया जा सकता है, ना पट्टियां नाल तोलिया जा सकता है, पर इहनूं मेनटेन करन वास्ते उन्होंने रोज़ की खुराक चाहिए है। तो जे इहनूं वक्त सिर खुराक ना मिले, जो कर पाचन बेग ना पावे। बेग दा अर्थ हुंदा है जल्दी, जिस वेले चाहिदी होवे उसे वेले तत फट। ते जे उहनूं ये खुराक ना मिले वक्त सिर, तो झगड़ करिया कर हाई, तो फिर उस वेले समझो जिवें कहंदे ना भी एकदम एक्साइट हो जाता है बंदा, झगड़ा करन दे मूंह आ जाता, तड़फना शुरू हो जाता है कि मैनूं खुराक चाहिदी है, मिली क्यों नहीं। तो कई बंदियां दी हालत बड़ी माड़ी हो जाती है। जदों उन्होंने भुख लगी होवे तो चलिया वांग बिहेव करते हैं, फिर उन्होंने कुछ सुझदा नहीं है। तो उस अवस्था नूं कबीर जी ने अज बयान किया है ताकि शरीर में मानो तरथली मच जाती है जे बंदे नूं वक्त सिर खुराक ना मिले। जो कर पाचन बेग ना पावे झगड़ करिया कर आई, वो लड़न मरन नूं तैयार हो जाता है जे उन्होंने वक्त सिर खाना ना मिले। तो अगले पदे विच हुण गल करते हैं कि दिन की बैठ खसम की बरकस ये बेला कत आई। दिन की बैठ का मतलब है कि इंसान की बैठक, यदि होंद कुछ दिन की है। दिन दे नन्ना मुक्ता है तो बहुवचन है, तो एक दिन की गल नहीं हो रही, कुछ दिनों की गल हो रही है, बहुवचन है। दिन की बैठ पर है दिनों की हुई, थोड़े दिनों की है बैठक। इंसान की जिंदगी जिहड़ी है, जिवें आम मुहावरे वजों कहा जाता है 4 दिन की जिंदगी है, तो कुछ दिनों की जिंदगी है। दिन की बैठ का मतलब है कि इंसान नूं जिहड़ी है जीवन मिलिया है, यह है तो कुछ दिनों की होंद है, पर खसम की बरकस, पर जिन्ना समा इहनूं मिलिया है ये भी वो खसम की बरकस। बरकस का मतलब होता है किसी का आकी हो जाना, हुक्म अदूली करने वाला। बर जमा अक्स का अर्थ है आकी, मालिक प्रभु तो आकी। ये इंसान नूं भावें जीवन मिलिया तो कुछ दिनों वास्ते है, पर जिस मकसद वास्ते मिलिया सीगा, जो हुक्म दे के मालिक ने भेजिया सीगा, ये उस तो आकी हो जाता है, उन्होंने भुला देता है तो होर पासे ही अपना समा जीवन का लगाना शुरू कर दिता है। तो ये जो थोड़ा चिरा जीवन में मिलिया है, वह भी मालिक के हुक्म तो उल्ट जीवन बतीत करता है। तो ये उन्होंने ध्यान नहीं रहा कि यह बेला कत आई, कि मुड़ के वाला जो समा है, ये बेला जो स्त्री लिंग है, इस करके ये देहा है मुक्ता है भी ये बेला, ये घड़ी, ये समा कत आई, मुड़ कदों मिलेगा। भाव ये इन्ना सौखा मिलने वाला है नहीं। जिवें बाणी होर भी अनेक थावां ते आया ना कि मानुख जन्म जुलम है होए ना बारंबार, तो वही भाव इत्थे भी कह रहे हैं कि ये बेला कत आई, ये मनुखा जूनी मुड़ के कदों मिलनी है। ये भुला के भी इंसान अपना जिहड़ा थोड़ा समा उहनूं जीवन दा मिलिया है, वह भी खसम मालिक दे हुक्म तो उल्ट अपना जीवन बितान लग पैंदा है। ते फिर उहदा हुंदा कि उसका रिजल्ट की निकलदा है, छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलियो जुलाहो रिसाई। कुंडे छुट जाते हैं। कुंडे तो भाव है जगत के पदार्थ, असल मिट्टी के बर्तनों कहते हैं कि जिन्होंने जुलाया जड़ा है और पानी पा के ते कपड़ा उन्होंने वेले सूतर ते जिहड़े धागे दी लंबियां नलियां उन्होंने गिला करके उन्हों की बुनाई करता है ताकि उन्होंने अड़े ना पै जान। तो उन्होंने पिउण वास्ते जिहड़ा भांडा उन्हें नाल रखिया हुंदा है तो वह भांडा भी कहते हैं कि वह छुट जाता है। छुट्टे कुंडे पीघा पुरिया वो जिहड़ियां पिओ के रखी हुई कपड़ा उन्हण वाली नलियां ने उवें भिजिया दियां भिजिया रह जांदियां ने तो समा खत्म हो जाता जीवन का। भाव की है कि दुनियावी पदार्थ जिन्हां दे विच इंसान सारी जिंदगी खचत रहिंदा है, अपना जीवन का सारा समा जिस मायक पदार्थों के मगर लगाई रखता है, वह भी समा पूरा होने छुट जाते हैं, वो कंट्रोल च नहीं रहते। तो जो कुछ उन्हें कमाया होंदा है, जो कुछ इकट्ठा किया होंदा है, वो सब कुछ भी उवें दा उवें पिया रह जाता है। तो चलो जुलाहो रिसाई, रिसाई का अर्थ होंदा है खिज के, फ्रस्ट्रेट होके। तो ये जुलाया रूपी जीव जड़ा है ये फिर खिज के फ्रस्ट्रेट होके इस संसार तो तुर जाता है, इनू छड़ देता है। तो इस तीसरे पदे का भाव की है कि कुछ दिनों के जीवन की जिंदगी जी परमात्मा वालों इंसान को मिलती तो है कि मनुखा जीवन परमात्मा का नाम सिमरन करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ हो जाए, पर उस मालिक के हुक्म को इग्नोर करके उस तो आकी होके इंसान मायक पदार्थों के ही खचत रहिंदा है। ये भुला दिंदा है कि यह मनुखा जन्म बड़ा दुर्लभ है, मुड़ के पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। ये सब कुछ भुल के भी वह माया खचत रहिंदा है, पर जिस माया में खचत रहिंदा है वह माया इत्थे दी इत्थे धरी धराई रह जाती है। तो अखीर खिज के दुखी होके ये जीव जड़ा है इस जगत तो तुर जाता है। आखिरी की जड़ी अवस्था है जदों हुण इंसान दी जीवन खत्म हो गया है तो वह वर्णन चौथे पदे गुरु कबीर जी कर रहे हैं कि छोछी नली तंत नहीं निकसै नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई। छोछी नली, छोछी का मतलब होंदा खाली, जिवें छूछा पांडा वह भी खाली का मतलब होंदा। तो छोछी नली वो नली जिहड़ी है जिन्नी को तैनूं कपड़ा जिन्ने को धागे तैनूं मिले सीगे जीवन के वो सब हुण खाली हो गए ने। हुण तंद निकलती नहीं, उस नली दे विचों धागा आना बंद हो गया। जिवें सिलाई की मशीन हुंदी है ना कपड़ा सीन वास्ते, तो जिन्ना रील के अंदर धागा हुंदा है वो एक पासों थल्लियों दी वो सूई दे विच उधरों आंदा है, दूजे पासों तुहाडे सामने एक होर दी दो धागे जिहड़े उहदे चों आंदे ने। ते जे हुण धागे दी रील खाली हो जाती है तो भावें तुसीं मशीन नूं घुमाई जांदे हैगे पर धागा आना बंद हो जाता है, तो सूई खाली तुरी जाती है। तो इवें ही जुलाया जदों अपना कपड़ा बुन रहा होंदा है तो जिहड़े वो धागे दे पेड़ बने हुए पिन्ने या जितों भी वो धागे दी नलियां बनी हुई जिन्हां दे विचों धागा आना होंदा है एक लंबाई दे पूरे सीकुएंस दे विच, वो नली खाली हो जाती है तो फिर उस धागा निकलना बंद हो जाता है। तो वो जिक्र कर रहे हैं भी हुण श्वास खत्म हो गए ने तो हुण अगों श्वास आने बंद हो गए। छोछी नली अंत नहीं निकसै नतर रही उरजाई, नतर का अर्थ होंदा है चीज तुर जिहदे दुआले कपड़ा वलेटिया जाता है। ये मैनूं हुण इस चीज़ की समझ है नहीं, जिन्हां लोकां नूं जुलाए दे चीज़ां का पता है कपड़ा किवें बुनिया जाता है धागे दे नाल, कोई जो भी है समझो कोई ऐसी चीज़ है जिसके दुआले धागा समझो लपेटिया जाता है, जिहदे तो एक बिल्कुल एक सार एक सीकुएंस दे विच बिना उलझिया जिहड़ा है धागा आंदा रहे लगातार। कुछ इहो जिहा इंस्ट्रूमेंट होएगा और कहते हैं कि भी वोदे दुआले जिहड़ा है कि नतर रही उरझाई कि हुण वो भी उत्थे भी धागा जिहड़ा ना उलझ जाता है, उहदियां गंढां पै जांदियां हन ते वह धागा अगे आना बंद हो जाता है। आप कह जो जिहड़ा उहदा श्वासां नाल संबंध है जीव का वह खत्म हो जाता, श्वास उहदे मुक जाते हैं। छोछी नली तंत नहीं निकसै नतर रही उरझाई, मानो जिहड़े धागा है उहनूं उलझ गया है तो अगों उस मोरी दे विचों नाली दे विचों दी आना बंद हो गया है। तो जिहड़ा इंसान का नाभि का संबंध है श्वासां दे नाल वो संबंध टुट जाता है। तो पर ऐसी अवस्था के अंदर भी इंसान ये रियलाइज करता है कि भाई वो वासना फिर नहीं खत्म होती, मौत भावें आ जाएगी आ गई है जीवन खत्म हो गया है पर अजे भी मन चो वासना नहीं निकली। तो कबीर जी इत्थे अखीरली पंक्ति समझाते हैं कि भाई जे मौत वेले भी इंसान वासना का त्याग नहीं कर सकता तो कहते हैं कि छोड़ पसार इहां रो बपुरी, हे भैड़ी वासना तू इत्थे ही रह जा, हुण ते मेरा खेड़ा छड़ दे। ये सारा जिहड़ा पसारा खिलारा है जिहदे चक्कर विच तू सारी जिंदगी मैनू फसाई रखिया है, तू ये छोड़ ते मैनू तू इत्थे ही रुक जा। ते कहो कबीर समझाई, कबीर जी उस वासना नू संबोधन करके समझाते हैं कि हुण तां तू मेरा खड़ा छड्ड दे, कि भाई ये वासना मेरा साथ छड्ड दे, जिस दे चक्कर विच मैं सारा जीवन अपना बर्बाद किया है, उलझा रहा हाँ, अपना जीवन मनोरथ नू इग्नोर की रखिया है। हुण मौत वेले तो कम से कम उन्होंने सोची आ जाती है भी तू हुण तां मेरा खड़ा छड्ड दे ते छोड़ पसार इहां रो बपरी कहो कबीर समझाई। कबीर जी कहते हैं कि हे वासना हुण तां तू मेरा खड़ा छड्ड दे ते इस मेरे जीव आत्मा की खलासी हो जाए। तो सारे शब्द का जो तत्सार है कि मनुखा जन्म मनुख दियां वासनावां दे अधीन उन्होंने इस जोनी च आना पैंदा है। जदों जन्म लैंदा है मानो ये जुलाया रूपी जीव जिहड़ा है ये अपने नाल कपड़ा बुनन दे पदार्थ रूप दे अंदर 9 गोलका 10 जिहड़े हन इंद्रे ते 21 जिहड़े सूक्ष्म तत्त लैके जन्म लैंदा है। उहदे शरीर दे अंदर 60 वड्डियां नाड़ियां 72 छोटियां नाड़ियां हन जो ताने और पेटे दा उहदे जीवन नूं चलाउण दा उहदा रॉ मटीरियल है। इस शरीर नूं मेनटेन करन वास्ते उहनूं रोज़ दी समझो 250 खुराक चाहीदी है। ते जदों खुराक नहीं मिलदी तां मनुख दी हालत जिहड़ी है वो बड़ी डिस्टरबेंस वाली खराब झगड़े वाली हो जाती है। इंसान नूं जन्म तां मिलिया सी मालक वल्लों मनुखा जीवन परमात्मा दे नाल अभेद होण वास्ते, पर वो इस जीवन दे मनोरथ नूं इहदी इंपोर्टेंस नूं इग्नोर करके सारा जीवन अपना माया दे चक्करां 'च फसाई रखदा है। स्वास खत्म हो जाते हैं ਤੇ अंत वेले इंसान रियलाइज करता है कि जो काम मैं करना सीगा वो तो मैं कर नहीं सकिया, तो श्वास जिहड़े हन खत्म हो गए हैं। तो अंत वेले फिर कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने सोझी आती है तो फिर वो वासना को कहता है कि हुण तां तू मेरा खैड़ा छड्ड दे तां मेरी खलासी हो। तो इतने ही बचन प्रवान करने जी होईआं भुल्लां दी आप जी पासों खिमा मंगदे हां। और कई चीज़ां जिहड़ियां ऐसियां जिहड़ियां मेरे भी समझ तो बाहर हन। अगर संगत विच किसी सज्जन नूं इन्हां चीज़ां बारे ज्ञान होवे जिहड़ियां टर्म्स आईआं ने उन्हों की ज्यादा ढंग नाल व्याख्या कोई कर सकता होवे ते बहुत धन्यवादी होवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर साहब जी दे और बाबा फरीद जी दे जिहड़े शब्द ने उन्हों दी बड़ियां डूंघियां रब्जां हुंदियां ने। तो वीर जी ने बहुत डिटेल दसिया है, शब्द काफ़ी औखे ने, भावें समां भी ज़्यादा लग गया, मैं संगत तो खिमा मंगदा उस गल दी।